नमस्ते जी, आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। आज 23 दिसंबर है। आज इस उपलक्ष्य में हम कुछ विशेष बातें आपसे करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र में हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों, वीर और वीरांगनाओं के जीवन के बारे में, महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, वैदिक भजन लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। परावर्तन के अग्रदूत स्वामी श्रद्धानंद, जो परिवर्तन हुआ उसके सबसे प्रमुख अग्रदूतों में स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है। भारत में आज जो मुसलमान हैं उन सबके पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के पवित्र धर्म में वापस लाने का सर्वाधिक सफल प्रयास स्वामी श्रद्धानंद ने किया। संन्यास से पूर्व उनका नाम मुंशीराम था। जन्म 1856 में ग्राम तलवल, जिला जालंधर, पंजाब में एक पुलिस अधिकारी नानक चंद के घर तलवन नामक उस ग्राम में हुआ उनका जन्म। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। बरेली में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के प्रवचनों से प्रभावित हुए और उन्होंने अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध प्रबल संघर्ष करते हुए अपनी पुत्री अमृत कला का तथा पुत्रों पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार और पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति का अंतरजातीय विवाह कर दिया। सन 1917 में संन्यास लेने पर उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद हो गया। स्वामी जी और गांधी जी एक दूसरे से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा संबोधन स्वामी जी ने ही दिया था, जो उनके नाम के साथ जुड़ गया। 30 मार्च 1919 को चांदनी चौक दिल्ली में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए सत्याग्रह का नेतृत्व स्वामी जी श्रद्धानंद ने ही किया था। वहां सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई। इस पर स्वामी जी उनसे भिड़ गए। सैनिक अधिकारी ने उनका सीना छलनी कर देने की धमकी दी। इस पर स्वामी जी ने अपना सीना खोल दिया। सेना का डर जो है डर गई सेना इस बात को देखकर पीछे हट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1 वर्ष 4 माह की सजा दी गई। जेल से बाहर आकर वे अछूतोद्धार और मुसलमानों के शुद्धिकरण में लग गए। 1924 में शुद्धि सभा की स्थापना कर उन्होंने 30,000 मुस्लिम मलकाना राजपूतों को फिर से हिंदू बनाया। इनसे कठमुल्ले नाराज हो गए और स्वामी जी की निर्भीकता से परावर्तन काम में लगे रहे। 1924 में स्वामी जी अखिल भारतीय भारत हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मुसलमानों में देश प्रेम जगाने के लिए खिलाफत आंदोलन के समय वे 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद में भाषण देने गए। स्वामी जी ने हरिद्वार के पास 21 मार्च 1902 को होली के शुभ अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके लिए नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के चौधरी अमन सिंह ने 120 बीघे भूमि और 11,000 रुपये दिए। इसकी व्यवस्था के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना घर बेच दिया और सर्वप्रथम अपने दोनों लड़कों को प्रवेश दिलवाया। उन्होंने जालंधर और देहरादून में कन्या पाठशाला की स्थापना की। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय हुआ तो भयवश कोई कांग्रेसी उसका स्वागत अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में स्वामी श्रद्धानंद जी आगे आए और 1920 में अमृतसर अधिवेशन में इस हो सका। इसमें स्वामी जी ने हिंदी में भाषण दिया। इसके पूर्व अधिवेशनों में अंग्रेजी में भाषण होते थे। इसी प्रकार भाई परमानंद और लाला लाजपत राय जी निर्वासन के बाद जब स्वदेश लौटे तो स्वामी जी ने लाहौर में उनका सम्मान जुलूस निकलवाया। स्वामी जी द्वारा प्रारंभ परिवर्तन का जो कार्य है, परावर्तन का, पूरे देश में चोर पकड़ रहा था। भारत के मुस्लिमों में अपने धर्म, देश और पूर्वजों का अभिमान जागृत होते देख कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया और 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नामक कट्टरपंथी युवक ने उनके सीने में गोलियां दाग दी। स्वामी जी के मुख से ओम की ध्वनि निकली और उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम वैदिक धर्म के ऐसे अद्भुत योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।